सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं मुख में होने वाली एक समस्या जो कि मुख्यतः दांतों में होती है, पायरिया की। जी हाँ, पायरिया में दांत पीले हो जाते हैं, मसूड़ों से ब्लड और बलगम आने लगता है। इस स्थिति में क्या करें समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत दुखद होता है जब खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है, क्योंकि कई बार अनावश्यक खाना खाते रहेंगे तो भी आपके दांत से ब्लड आने लगेगा। तो कैसे इसको ठीक करें, इस बारे में जानते हैं। कुछ एक घरेलू औषधियों के प्रयोग से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। बस लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को इसीलिए बचपन से ही सुबह शाम दोनों वक्त ब्रश कराने की आदत डलानी चाहिए। अक्सर होता क्या है, हम सभी सुबह सुबह तो ब्रश करते हैं लेकिन शाम को नहीं करते हैं। लेकिन शाम का ब्रश जो है सुबह के ब्रश से कहीं और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम शाम को ब्रश करते हैं खाना खाने के आधा घंटे बाद, तो फ़ायदा क्या होता है कि पूरी रात हमारे दांत को साफ़ रहने का मौका मिलता है। वहीं अगर रात को नहीं साफ़ करते हैं, सुबह साफ़ करते हैं और फिर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो दांत कभी आपका पूर्णतः क्लीन रह ही नहीं पाया, बस क्लीन हुआ। ऐसा नहीं है कि उससे फ़ायदा नहीं होता है, बट फ़ायदा होता है, फिर भी आपके दांत को फ़र्क पड़ने लग जाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले बच्चों को शुरू से स्टार्टिंग से ही आदत डलाएं कि ब्रश करके सोएं, क्योंकि दांत की समस्या सभी को लगभग जीवन में होने लग जाती है। ये आप सभी जानते हैं, जितने भी अनुभवी लोग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है 40-45 के आसपास, उनके दांतों में प्रॉब्लम होनी लगभग स्टार्ट हो जाती है। कुछ न कुछ लगभग लोगों के परसेंटेज लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो आइए आज के इस टॉपिक को अब लेते हैं कि पायरिया रोग हो गया है तो क्या करें। नीम की कोमल पत्तियां ले लीजिए और काली मिर्च ले लीजिए। इसमें आपको काला नमक मिलाना है और प्रतिदिन सुबह सेवन करना है। ऐसा करने से रक्त आपका शुद्ध हो जाएगा और पायरिया रोग मिट जाएगा। ब्लड साफ करने के लिए नीम की पत्तियां एक अच्छा प्रयोग है और इससे आपके पायरिया की समस्या का भी नाश हो जाएगा। साथ ही साथ आपको छोटे छोटे धब्बे या घाव हो रहे होंगे, फुंसियां हो रही होंगी, वो भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरा उपयोग भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, आंवला। आंवला जला करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना होगा आपको और सरसों के तेल के साथ मंजन करना होगा। ध्यान रखें, आंवले को आग में इतना भूनना है कि काला हो जाए और उसमें सेंधा नमक मिला लेना है और इन तीनों को मिला करके, सरसों का तेल मिला करके आपको पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट से आपको सुबह सुबह मंजन करना है और शाम को मंजन करना है। उसके बाद आप चाहें तो जिस चीज़ से मंजन करना कर लें, लेकिन इससे मंजन आवश्यक रूप से करें, यह पायरिया की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। इसके अलावा एक और प्रयोग जान लेते हैं। अगर आपको आंवला मिलने में प्रॉब्लम है तो नींबू ले लीजिए, नींबू का रस और उसमें शहद मिला लीजिए। मसूड़ों पर इसको मलते रहना है, इससे पायरिया रोग दूर हो जाता है, रक्त और पीव निकलना बंद हो जाता है और दांत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इन सभी के साथ साथ आपको सुबह शाम ब्रश करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आपके रोग को ख़त्म कर देगा, लेकिन सुबह शाम ब्रश नहीं करेंगे वापस आपकी समस्या वैसी ही बनी रहेगी और दांतों की समस्या बहुत कष्टदायक भी होती है। अब पायरिया में हर रोज़ नारंगी खाते हैं तो भी आपको फ़ायदा होता है। नारंगी के छिलकों को छाया में सुखा दीजिए, पीस करके उससे मंजन कीजिए, इससे भी लाभ होता है। या फिर आम की गुठली की गिरी के महीन चूर्ण बना लीजिए और उससे मंजन कीजिए दांतों का, पायरिया रोग ठीक हो जाएगा। दांत के और भी जो रोग होंगे उन रोगों का भी नाश हो जाएगा इससे। तो आई थिंक इतनी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए एनफ है। इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएगी या फिर पास की दुकान से मिल जाएगी। काली मिर्च आपके आसपास मिल जाने वाला है, काला नमक आपके पास मिल जाने वाला है, नींबू मिल जाने वाला है, या संतरे के छिलके से हमने आपको बताया वो भी आपको मिल जाना है, आंवला भी मिल जाना है। तो इनमें से जो चीज़ें हैं सब आसान चीज़ें हैं। नीम की पत्तियां हमने बताया, सब आसान चीज़ें हैं, पास से मिल जाने वाली हैं, ले लें और इससे प्रयोग करें, आपको शर्त या लाभ होगा। बस ध्यान रखना चाहिए आयुर्वेदिक औषधियों के साथ एक बात का, कि इनको लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है तो ही आपको रिजल्ट नज़र आता है। आप सोचेंगे कि एक दिन आपने ब्रश किया इन चीज़ों से और आपका पूर्णतः समस्या जो है वो हल हो जाए,
तो ऐसा नहीं हो पाता है। आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग कुछ लंबे समय तक करना पड़ता है, पर हाँ, बीमारी को समूल रूप से जड़ से नष्ट कर देती हैं ये औषधियाँ, और इसके अलावा इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है आयुर्वेदिक औषधियों का। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि पायरिया रोग को नष्ट करने से रिलेटेड रहा। मिलेंगे अब आप सभी से एक नए एपिसोड में। आप सभी ने वीडियो को एंड तक देखा, इस बात की बेहद खुशी है हमें। आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।